जख्म को ठीक करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उसको छेड़ना छोड़ें। जख्म चाहे दिल पे लगा हो या बदन पे लगा हो, उसके बारे में डिस्कस ना करें, हर एक को ना बताते फिरे। जितना तज़करा करेंगे उतना ज़्यादा चुभेगा। एंड रिमेंबर, इफ़ यू वॉन्ट टू हील समवन, देन आस्क हिम वेदर ही इज़ विलिंग टू गिव अप द बैड हैबिट्स विच आर मेकिंग हिम सिक। अगर आप किसी को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी रजामंदी लें कि जो आदतें आपको बीमार कर रही हैं, क्या वो आदतें आप छोड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, दरिया से तो आप लोगों को निकाल रहे हैं, ज़रा ऊपर जाएं और जिस रास्ते से लोग दरिया में गिर रहे हैं उस रास्ते की भी तो ब्लॉक करना ज़रूरी है ना। जैसे कोई बंदा नेकी के रास्ते पर चल पड़ता है, अब नेकी कर रहा है लेकिन कुछ ही अरसे के बाद इस्तकामत नहीं रहती, दोबारा पुराने वाली रविश शुरू हो जाती है। वजह, वो गुना नहीं छोड़ता। नेकी के काम तो हो रहे हैं, गुना छोड़ना भी ज़रूरी है। जैसे एक तालाब है, उस तालाब में गंदगी है, आप गंदगी को तो दूर कर रहे हैं लेकिन वो पाइप जो गंदगी की वजह बना हुआ है, जहाँ से गंदगी आ रही है, उस पाइप को बंद नहीं कर रहे। अब वो तो गंदा ही रहेगा, तो कोशिश करें वो पाइप पहले बंद हो जाए, अब गंदगी को निकालेंगे तो तालाब साफ हो जाएगा।